मुरादाबाद में आई फ्लू के मरीजों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आई फ्लू से संक्रमित मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बीते कुछ दिनों में आई फ्लू से संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के अनुसार बीते कुछ दिनों में मुरादाबाद के जिला अस्पताल के ओपीडी में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 250 से 300 के बीच रहती है, लेकिन लगातार बारिश और उमस से बीते दिनों में संक्रामक रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और हाल के दिनों में भारी संख्या में मरीज रोजाना यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद में आई फ्लू तेजी से फैलने लगा है और बच्चों के साथ ही बड़े लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके संक्रामक होने के कारण घर में किसी एक सदस्य के होने पर यह रोग पूरे परिवार के लोगों में भी फैल रहा है। बारिश और उमस से फैल रही मौसमी रोगों में आई फ्लू बेहद संक्रामक बनकर उभरा है। लोगों को आंखों में जलन, लालिमा, खुजली और संक्रमण की शिकायत हो रही है। वहीं आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएमओ ने जिले के सभी सीएससी एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर सभी अस्पतालों में डॉक्टरों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश दिया है। आँख में दिक्कत हो रही है, बहुत पानी दिख रहा है, आँख में हर वक्त पानी दिख रहा है। दवाई ले ली? दवाई दे दी, धुंधला धुंधला दिखे और खुजली पर है, बड़ी खुजली निरी गरम गरम से हो गए 15 दिन। की दवाई लेना है? आँखों की। क्या दिक्कत है? आँखों में खुजली है, दर्द है, लाल पड़ रही है। कहाँ से आए? मिड़वारी से। सर हमें आँखों में बहुत दिक्कत है, लेकिन सर ऐसा है इन्होंने मात्र दो टेबलेट दिए, उसके बाद में ड्रॉप फ्री में दिया। किस चीज़ की दवाई लेना है? आँखों की दवाई। सर दिक्कत है? सर बहुत दिक्कत है, आँखों में चिड़चिड़ापन हो रहा है और आँखें भी लाल हो रही है। ये आँखों में जलन सी हो रही है और दर्द भी हो रहा है, आँखें लाल हो रही हैं। ये लगभग दो तीन दिन हो गए लगभग। कहाँ इसी सरकारी अस्पताल में? बिलारी। सरकारी अस्पताल बिलारी। क्या दिक्कत हो रही है? सर आँखों में दिक्कत है, बच्चों के भी हमारे भी। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, खुजाहट पड़ रहा है, आँखें दुख रही हैं बच्चों की सबकी। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं बाहर से ड्रॉप लो, ड्रॉप नहीं मिल पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बोले ड्रॉप बाहर से लो और ये बाकी दवाई यहाँ से ले लो। आँखों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, जलन सी पैदा हो रही है, कल से ज़्यादा हो रही है। दवा लेने आया हूँ आँखों की। क्या है? हाँ डॉक्टर साहब को दिखा लिया, फिर दवा लिख के दे दिए डॉक्टर साहब ने। आप देखा कब से? कल परसों से ज़्यादा आ रही है दिक्कत। सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक है और ऐसा भी नहीं है हर रूम में डॉक्टर बैठे हुए हैं, संख्या अधिक होने के कारण लोगों को डॉक्टरों से मिलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। भीड़ इस वक्त जो है बच्चों की आंखें ज़्यादा दुख रही हैं और ये वायरल बच्चों को ज़्यादा दिख कर रहा है, जिसे भी देखो बस सिर्फ अपनी आँखें या फीवर दिखाने के लिए जो है वो अस्पताल की तरफ दौड़ा चला रहा है। हाँ मैं पूरी तरीके से इस चीज़ से सहमत हूँ कि वायरस का पूरा असर हो रहा है। देखिए ये बीमारी छुआछूत से जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं लोग उससे ज़्यादा फैलती है और इसमें बचाव का सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में कम आए, जो जिसको है ये परेशानी उसको थोड़ा आइसोलेट रखें। दूसरी चीज़ ये जो है वो गॉगल्स ब्लैक वाला यूज़ करें और ये एलर्जिक बीमारी होती है और ये सेल्फ लिमिटेड होती है, कुछ दिन में अपने आप चली जाती है, लेकिन सेकेंडरी को इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम लोग जो है दवाइयाँ देते हैं। सर मरीजों की क्या संख्या चल रही है इस समय? मरीज़ इस समय जो है काफ़ी तादाद में हमारे पास आ रहे हैं और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने जो हमारे विलेज लेवल के वर्कर हैं उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अगर आपके गांव में या आपके पास के स्कूल में इस तरह की कोई बात अगर दिखाई पड़े तो फौरन सूचित करिए ताकि मैं वहां अपनी टीम भेज करके उनका उपचार करा सकूं। सर ये बीमारी सब छोटे से लेकर बड़े बच्चे सब लोगों में है या फिर इसका कोई एज का कोई फ़र्क नहीं? एज का कोई फ़र्क नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। सर आपकी तरफ से क्या अभियान चलाए जा रहे हैं जैसे गाँव के लिए? जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैंने सभी अपने रूट लेवल के वर्कर को बता दिया है कि अगर इस तरह का आपके गांव में आपके नज़दीक के स्कूल में
या और कहीं भी इस तरह की अगर दिखाई पड़ता है तो आप तुरंत सूचित करिए, ताकि मैं उनको वहीं भेज करके एक टीम द्वारा उनका इलाज कर सकूं। अच्छा, जैसे बीमारी अगर अचानक शुरू होती है तो क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या से दिक्कत परेशानी महसूस होती है? देखिए, उसकी आँख लाल हो जाएगी और उसके साथ साथ उसमें जो है थोड़ा सा जो उसकी आँख की पुतली होती है, लिड कह लीजिए, तो उसमें थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है और डिस्चार्ज होता है। और कभी कभी अगर उसका इलाज नहीं हुआ या सही से देखभाल नहीं हुई तो फिर कीचड़ भी आने लगता है, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, और समय से इलाज करने पे ये अपने ठीक हो जाता है। आपकी तरफ से कुछ ड्रॉप वगैरह दिए जा रहे हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ जो भी मरीज आ रहे हैं, अभी लगभग 350 मरीज देखे जा चुके हैं खाली आँख वाले, और जिनको हम सबको जो है आँख का ड्रॉप अवेलेबल करा रहे हैं।